वेलकम स्टूडेंट्स, असी 25वें 26वें पेपर का ऑप्शन 5वां टीचर एजुकेशन का सिलेबस जो डिस्कस करांगे, किहड़े लॉन्ग क्वेश्चन इहदे च आ सकते हैं तो किहड़े शॉर्ट आ सकते हैं। सब तो पहला असी लॉन्ग क्वेश्चन की गल करते हैं। सैक्शन ए दे विच टीचर एजुकेशन का कंसैप्ट ते ऑब्जेक्टिव्स एट डिफरेंट लैवल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन थानू जिहड़े ऑब्जेक्टिव्स ने डिफरेंट लैवल दे उत्ते ए अलग अलग तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, जिवें सैकेंडरी लैवल का ते जिहड़ा प्राइमरी जां एलीमेंटरी लैवल का। इहदा कंसैप्ट मीनिंग करैक्टरिस्टिक्स ये अलग तो आ सकदियां ने, इस दे विच दो तीन लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं तुहाडे। फिर जिहड़ा रोल एंड फंक्शन ऑफ ए जिहड़ियां इंस्टीट्यूशनज ने, इन्हां दा रोल ते फंक्शन टीचर एजुकेशन दे विच की आ, रोल इन्ह सारिया के इंट्रोडक्शन के नाल रोल एक दो तीन चार चार तो रोल के क्वेश्चन ने तुहाडे ते चार ही फंक्शन के क्वेश्चन ने, तो इन्हों मनो तुसी कि अठ क्वेश्चन ये तो दस ग्यारह के लगभग सैक्शन ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। सैक्शन बी दे विच रोल ऑफ प्रोफेसनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसीएशन इन टीचर एजुकेशन, तो यह लॉन्ग क्वेश्चन है तुहाडा एक, ये जिहड़े प्रोफेसनल ऑर्गेनाइजेशनस ने ते एसोसीएशनस ने इन्हां दा टीचर एजुकेशन दे विच की रोल है, ये आ सकदा है। फिर हैगा इनोवेशनस इन टीचर एजुकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुहाडा इनोवेशनस वाला, टीचर एजुकेशन है जिहड़ी उहदे विच की नवीनीकरण है जां की नवीं चीज़ असीं कह सकते हैं, ये थोड़े मीनिंग टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन ते लर्नर कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन, दो अलग अलग टॉपिक ने। इना दे मीनिंग डेफिनेशंस नेचर ते स्ट्रैटेजीज, ये तीन जड़े ने पांच छे क्वेश्चन ने जड़े इस टॉ ए बनते हैं सैक्शन दे विच, तो इस तरह ना थोड़ा बहुत थोड़ा सिलेबस है, इन चंगी तरह तैयार करके तुसी अपने वधिया मार्क्स ले सकते हो। हुण असी गल करांगे शॉर्ट नोट्स की। सैक्शन ए दे विच शॉर्ट नोट्स ने जिहड़ा टीचर एजुकेशन का मीनिंग कॉन्सैप्ट इस दे एम्स एंड ऑब्जेक्टिवस, फिर एलीमेंटरी लैवल दे ऑब्जेक्टिवस ने, पहला ओवरऑल जनरल ऑब्जेक्टिव ने, फिर डिफरेंट लैवल्स के ऑब्जेक्टिव ने, एलीमेंटरी दे सैकेंडरी, फिर एन सी आर टी दी इंट्रोडक्शन, फिर रोल ऑफ एन सी आर टी इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक सिक्ख्या विच एन सी आर टी दी की भूमिका है, फिर फंक्शंस ऑफ एन सी ई आर टी इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक सिक्ख्या दे संबंध विच एन सी आर टी की काम करती है, फिर एन सी टी ई ये बारे तुसी की जानते हो, इंट्रोडक्शन दोगे मीनिंग रोल यदा टीचर एजुकेशन दे विच, एन सी टी ई दे फंक्शंस टीचर एजुकेशन, फिर डाइट तो तुसी की समझते हो, डाइट का टीचर एजुकेशन दे विच की रोल है, डाइट के की काम ने अध्यापक सिक्ख्या दे विच, फिर सी टी ई तो तुसी की समझते हो, दी संखेप जानकारी दो। सी टी ई का जिहड़ा अध्यापन सिक्ख्या दे विच की रोल है, ये की फंक्शंस करती है, सी टी ई है जिहड़ी अध्यापक सिक्ख्या दे संबंध विच की फंक्शन करती है, की काम करती है। इस तों बाद साडा हैगा सैक्शन बी, इहदे विच अध्यापक सिक्ख्या नाल संबंधित किता मुखी संगठन ते संस्थावां बारे संखेप जानकारी, इहदे नाल रिलेटड क्वेश्चन है। फिर इन्हां दी भूमिका जां योगदान, अध्यापक सिक्ख्या विच कितामई संगठनां दी भूमिका जां योगदान, अध्यापक नियंत्रित हदायतां की हुंदियां ने, अध्यापन विच कुछ नवें झुकावां दी सूची बनाओ न्यू ट्रेंड्स इन टीचिंग, लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की हुंदियां ने, अध्यापक सिक्ख्या दे नवीनीकरण दीआं विशेषतावां, अध्यापन सिक्ख्या विच नवीनीकरण दी लोड़, अध्यापक सिक्ख्या विच नवीनीकरण लई कि रणनीतियां अपनाईयां गईयां ने,
ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਸ, ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਏ, ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।